डोलेमोन आ दिया तुम लोग तो था। कौन लाया ये तुम लोग के लिए? पापा, पापा। अभी ऑलरेडी कितनी सारी पिचकारी है देखो वहाँ पे कितनी सारी है। तीन ऑलरेडी है, 1 2 3 और एक और है, फिर ये तुम लोग का ये आ गया पचवा। हाँ 18 13 19 कितनी पिचकारी पापा, मतलब एक दिन की होली के लिए। चलो तो ये मैंने एक रात पहले जो दाल भिगाई थी सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको पीस करके मैंने रख दिया था। ये मेरे दही बड़े का बैटर है और ये फर्मेंट होने लगा है, तो अभी हम इसको और 2-4 घंटे फर्मेंट होने देंगे और रात में इसके हम दही बड़े बनाएंगे। आज महाराष्ट्र में होलिका 6 तारीख को मनाई गई, तो हम लोगों के यहाँ होलिका की प्रथा है कि हमारे यहाँ पे उपटन वगैरह बना करके और अपने शरीर पे लगाया जाता है और फिर जो भी उसका रेसिड्यू निकलता है वो हम लोग आज अग्नि में प्रवाहित करते हैं। तो ये मैंने सरसों भून लिया था, उसमें थोड़ा उसको पीस लिया, फिर सरसों का तेल डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक उपटन बनाया। और ये उपटन जो है हम सब लोग लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं ही लगाऊंगी सबको, और ये उसके बाद जो भी हमारे मैल निकलेंगे उसको हम होलिका में जला देंगे। ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हमारे शरीर पे जितने भी कष्ट हैं सब कुछ ये सारी चीज़ें जो हैं होलिका जी उसको हर ले और फिर अब से हम लोग एकदम स्वस्थ और सुंदर बने रहें। तो इसी प्रथा को मैं हर साल निभाती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो सबका एक एक करके मैंने निकाला। और फिर अब आपको दिखाती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये होलिका जलाने के लिए तैयारी की गई है, बहुत मेहनत की गई है यहाँ पर। और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का मुहूर्त है, तो 8 बजे तक पूरे सोसाइटी के लोग, जो अभी ये पूरा खाली ग्राउंड आपको दिख रहा है, सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। तो मेरे घर की बेल बज गई थी, एनी विच वे तो ये बज गए हैं 8 और हम लोग सारे लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पे होलिका जी की, ठंडी होलिका की पूजा की जा रही है और उसके बाद इसमें अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। तो हम सब लोग घर से दूर रहते हैं, अपने घर वालों की कमी स्पेशली तीज त्योहारों पर बहुत ज़्यादा खलती है, लेकिन जब सोसाइटी में सारे लोग मिल जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी की बड़ी ख़ास बात है। होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, सब लोग एकजुट होकर के इस फेस्टिवल को मनाते हैं, तो घर वालों की कमी तो खलती है लेकिन थोड़ी थोड़ी कम खलती है क्योंकि ऑलरेडी आप बिज़ी रहते हैं इतने सारे लोगों में। तो बस यहाँ पर अग्नि लगा दी गई है और सारी एक्चुअली महाराष्ट्र में सब लोग इस तरीके से पूजा करते हैं, तो अभी अग्नि की पूजा की जा रही है। हैप्पी होली, होली के दिन दिल खिल जाते। अरे मम्मा को नहीं लगाया आपने। तुम्हारी मम्मा को हम कैसे लगाएं? हैप्पी होली, तो नीचे से होली का मना करके हम आ गए थे और खूब मस्ती की हमने। और अब डिनर वगैरह करने के बाद हम आ गए दही बड़ा बनाने। आइए पहले मैं आपको दिखाऊं कि कितने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है मेरा बैटर। अब बताइए इस बैटर का अगर दही बड़ा बनेगा तो वो लाजवाब होगा कि नहीं। तो बस इतना ज़्यादा ये फूल गया था, एक्चुअली में इतना है नहीं बिकॉज मैंने बहुत कम बनाया है दही बड़ा, क्योंकि बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा है और बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसीलिए बचा बचा के आदमी दही बड़े वगैरह खाता है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी मुझे पानी में डाल के चेक करने की, फिर भी देखिए कितने अच्छे से ये जो है फूल चुका है कि एकदम डालते ही ऊपर आ गया। तो आइए अब इस बैटर के बनाते हैं हम दही बड़े। तो मैं अपने दही बड़े में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नारियल और किशमिश को छोटा छोटा काट लिया है, हींग है, काली मिर्च का पाउडर है और नमक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस बैटर में मिक्स करूँगी। जब थोड़ा सा डिफरेंट दही बड़ा बनाने के लिए मैं उसमें थोड़ा बहुत किशमिश वगैरह डाल देती हूँ कि जब आप दही बड़ा खाते हो और मुँह में किशमिश वगैरह आती है, थोड़ा लगता है कि बड़ा रॉयल सा दही बड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और
और यहाँ पे यू नो मेरा बैटर जो है वो मिक्स होकर रेडी हो गया है, मैंने तेल भी रख दिया है, तेल भी मेरा गर्म हो गया है, और यहाँ पे हल्के गुनगुने पानी में जो है मैंने हींग और नमक मिला करके रखा है कि यहाँ से दही बड़े तलूंगी और फिर मैं उसे पानी में डिप कर दूंगी। तो ऐसे हाथ में थोड़ा सा लगाया पानी, उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स, मैं एक्चुअली बॉल में नहीं बनाऊंगी, इसको फ्लैट करके बनाऊंगी बिकॉज फ्लैट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्लैट करके और बड़ी ही सावधानी से इसे पानी में डिप करें। एक्चुअली मैं थोड़ा यहाँ पे कोताही नहीं बरत रही थी, मेरे एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही थी, इसीलिए बस आप लोगों को दिखाया और उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि इसमें जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे दही बड़ों को तेल में डाल दिया है, मीडियम आँच पर दही बड़े को तले, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए ये इतने अच्छे से फूल गया है कि मैंने जिस साइज का डाला था ये उससे डबल हो गया है। तो बस इसे हल्की आंच पे अलट पलट करके आप तले और गोल्डन ब्राउन होने तक खूब अच्छे से इसको फ्राई करें। तो यहाँ पर हमारा दही बड़ा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। इसी कलर का ये जब रहे तो आप इसको यू नो छान करके बाहर निकाल लें। तो ये मेरा एक लॉट पूरा रेडी हो गया है। तो ये एक लॉट निकालने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने ऑलरेडी पानी गर्म करके रखा हुआ है, तो मैं इन सारे वड़ों को पानी में डिप कर दूंगी। पहले ये देखिए ये वड़े कितने अच्छे से फूले हैं, कितने जालीदार बने हैं। ये ही शो करता है कि आपका दही बड़ा जो है दही में जाने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो खाली जगहें हैं इन्हीं जगहों पर दही भर जाती है। तो बस अब मैं इनको पानी में डिप कर देती हूँ, 5 मिनट तक पानी में डिप रहने दूंगी। और यहाँ पर मैंने दूसरा लॉट जो है वो ऑलरेडी बैठा दिया है। इन द मीनवाइल मैं टाइम वेस्ट न करती हुई दही को भी फेट करके तैयार कर ले रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पानी में भिगाए थे वो अच्छे से भीग चुके हैं, आप देखेंगी कि उसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया है। थोड़ी देर में इसमें रहने दूंगी और हल्का सा पानी स्क्वीज करके दोनों हथेलियों के बीच से फिर मैं इन यू नो वड़ों को इस दही में डिप करूंगी। तो दही में मैंने कुछ नहीं डाला है, थोड़ा चीनी और नमक डालकर जितना मतलब एक आपको टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा हल्का सा है और बस इस दही में और कुछ नहीं डालूंगी। जो भी डेकोरेशन है जब वो मैं सर्व करूंगी तब डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ तल करके और ये मेरे दही बड़े बंद कर बिल्कुल रेडी हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 22 से 23 दही बड़े ही मैंने बनाए हैं और अपना पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है कि भाई आज होली की प्रिपरेशन के साथ साथ मेरा सारा काम हो चुका है और अब जो है बस कल की प्रिपरेशन होगी, कल बनेंगे पुए वगैरह। तो अभी मैं जा रही हूँ, इस दही बड़े को फ्रिज में रखूँगी और बस एक काम और है कि कल सुबह बनने हैं समोसे तो उसका भी आधा काम कर लेती हूँ, आलू उबाल करके रख लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह होली भी खेलनी है, सब कुछ करना है। तो ये आधा काम हुआ रहेगा तो मुझे आराम रहेगा। उसके बाद मैं आ गई यू नो ड्राइंग रूम में और कल होली है, मुझे भी होली खेलनी है, मेरी टी शर्ट पूरी गीली है बिकॉज मैं बर्तन धो के आ रही हूँ। तो मैंने बालों में अच्छे से तेल लगाया अपने, सौरभ के, किमाया के, क्योंकि शिवन्या सो गई थी, अच्छे से तेल लगा लिया बिकॉज कल जब हम होली खेलते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसीलिए कोशिश यही करिए कि होली खेलने से पहले बालों को अच्छे से ऑयल करिए, अपने आप को ऑयल करिए। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सभी लोगों को कल के लिए हैप्पी होली, और होली का वीडियो होली के दिन के बाद आएगा। तो सबको बाय।